दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ब्लॉग मैं 2:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो देखिए, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। तो ये देखिए, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों। ये बड़ी लड़की है और ये छोटी लड़की है। तो दोनों ये पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? फलों के नाम याद कर रहे हो? अच्छा, चलो अच्छे से पढ़ाई करना है। बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ जब टाइम मिलता है। आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो अब टाइम मिला है तो बता रही हूँ मैं। देखिए, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, इसलिए मेरे बच्चे भी यहाँ पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। टेबल पर बाहर ही टेबल डाल ली है, कुर्सी डाल ली है और पढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। और देखिए कैसा हमारे यहाँ पे सामने खेत वगैरह है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमारा घर का रूट है। देखिए कितना ठंडा मौसम हो रहा है बाहर का, अच्छा लग रहा है। बाहर का माहौल बहुत अच्छा है। और चलिए, तो अभी शाम को कुछ बनाएंगे। वैसे भी आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सवेरे लंच में खिचड़ी बनाई थी। तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल, सुबह से लेट ही रहे। तो अब मैं बनाती हूँ शाम को चाय। अब मिलती हूँ मैं आपको। तो अभी हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं, और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी, सुबह तो नहीं हो रही थी 2:30 बजे के टाइम पे, बादल सा था, ठंडा मौसम था। लेकिन इस समय देखिए कितना तेज़ बारिश हो रही है, और सामने इतना ग्राउंड है जो वहाँ पर पानी भी भर गया है, देख सकते हैं आप सामने। और अब मैं आ गई अपनी किचन में चाय वगैरह पी के। तो मैं बनाने जा रही हूँ तुरई। तो मैं कैसे बनाती हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और जीरा। मैंने यहाँ पे तुरई काट के रखी थी, तो मैं उसको डाल रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। मैं जब तक इसको भूनूँगी, जब तक इसमें से पानी ना छूटने लगे, तब तक मैं इसको भूनूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, और नमक डालने से इसमें जितना पानी है सब छूट जाएगा और अच्छे से भून जाएगा। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी। तो ये इधर जब तक भून रहा है, तब तक मैं ये मसाला पीस लेती हूँ। प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। देखिए इसमें पानी भी छूटने लगा, ये देखिए। मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है, और इसमें खुद पानी छूटा है। और मैं हमेशा तुरई बनाती हूँ, मैं कभी पानी ऐड नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अब इसमें डाल दिया ऑयल, और अब मैं इसमें डाल दूंगी। वैसे जीरा मैं पहले डाल चुकी थी, फिर भी मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ और हींग ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला जो मैंने पीस के रखा था। तो इसको मैंने डाल दिया है मसाला। और मैं इसमें डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, पिसा हुआ पाउडर काली मिर्च का। तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और मेरी रेसिपी अगर आपको ज़रा सी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। और कैसी लगी मेरी रेसिपी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैंने ये जो भून के रखी थी तुरई, तो वो मैंने अब मसाले में ऐड कर दी है, और अब मैं इसको अच्छे से 5 मिनट पका लूँगी। तो देखिए अच्छे से मैं पका रही हूँ इसको। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। नमक मैंने पहले ऐड किया था तो कम ही किया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ही ऐड करूँगी और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने डाली यहाँ पे कस्तूरी मेथी। मेरे इस तरह
ये से मैंने बनाए, प्लीज़ आप भी इस तरह ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगती हैं। और बताइए मुझे कमेंट में कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो ये मेरी तुरई बन के रेडी हो गई है। और इधर मैंने ये चावल आया था कट्टा चावल का, तो वो मैं खोल रही हूँ, देख रही हूँ कैसे चावल हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।